शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की रूप रस गंधवंतः पुद्गला। एक सूत्र आता है उमा स्वामी महाराज जी के द्वारा लिखा, पुद्गल वह है जिसके पास रूप है जो नेत्रेंद्र का विषय बनता है। रस जिह्वा इंद्रिय का एक वह विषय है जिसको चखना बोलते हैं आप, और स्वाद आता है, स्वाद दिलाता है। गंध जो नासिका का विषय बनती है, जिसके माध्यम से आत्मा कहीं भी हो किंतु उस गंध के कारण वह आह्लादित होता है। स्पर्श जो एक प्रकार से स्पर्शेंद्रिय का विषय बनता है, जो आठ भागों में या पर्याय के अपेक्षा से बनता है, शीत है, उष्ण है, हल्का है, भारी है आदि आदि। अब रहा जीव का क्या उपयोग है, जीव उपयोग वाला है और इन सब को वह अपना भोग्य बना लेता है। वे धन्य हैं इस उपयोग के द्वारा अपने आप को ही उपभोग्य बना देते हैं। अभी तक जीव दूसरे द्रव्य के अंतर्गत रहने वाले भोग्य पदार्थों का सेवन करता करता आया, किंतु अभी तक वह अपने आप का सेवक सेवन नहीं कर पाया, किंतु पर की ही सेवा करता आया है। अभी भी यही बात है, कोई भी अंतर इसको नहीं आ रहा है कि अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी इसको अपनी खबर नहीं लगी है। अखबारों में तो पढ़ते रहते हैं, उस अखबार में अपनी कभी खबर आती है नहीं आती, तो आप अखबारों में अपनी खबर भी छापा करो। लेकिन अभी तक खबर ही नहीं आ रही। वे धन्य हैं इन भिन्न भिन्न विषयों को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं, अथवा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये एक प्रकार से दौलत राम जी ने छहडाला में लिखा है, मोक्ष महल की एक सीढ़ी। अभी भी आप लोग कह रहे थे एक के ऊपर एक ऐसे सीढ़ियाँ लगती जा रही हैं। सीढ़ी भी होती है और नसेनी भी होती है, और कहीं कहीं पर सुनने में आता है जीना भी होता है।
अब जीने के बारे में हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे, सुनाए। अच्छा, जीना तो जाऊं, जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु यूं ही जीना क्या। कुछ समझ में आ रहा है? जीना चढ़ने का संकल्प करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु सब लोग जी रहे हैं, उस प्रकार हम भी जी रहे हैं। भले ही उस जीने में कुछ मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, यदि नहीं मिलता है फिर भी जी रहे हैं तो जीना क्या, यूं ही जीना। जी चुके हैं कई बार अनंतों बार, अब तो कम से कम हम जीने को देखते हैं तो मन में विकल्प होता है, ये क्या है, ये चढ़ने के लिए है, चढ़ना चाहते हो तो आज तक का यह दृश्य लुप्त था वो देखने को उपलब्ध होगा। लेकिन ध्यान रखो, चढ़ने के बाद उतरने की बात होती है, वो सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। गिरने की पूरी संभावना है। मोक्ष मार्ग में चढ़ना भी है, चढ़ता भी है, आलस हो गया तो चक्कर खा करके नीचे आ भी जाता है। किंतु ये ध्यान रखे, जिसने एक बार भी उस नसेनी का सीढ़ी का चढ़ना प्रारंभ कर दिया, अब वह भले ही गिर जाए, एक दिन पूरी सीढ़ियों की पूर्ति पूर्ण करके ऊपर जाने का भी अवसर प्राप्त करता है। हम उसी पुरुषार्थ को पुरुषार्थ मानते हैं। एक सीढ़ी भी चढ़ जाए वह भव्य है, ये सिद्ध होता है, क्योंकि प्रथम सीढ़ी में वह एक प्रकार से जमीन के समान होता है। एक सीढ़ी चढ़ते ही हम अवश्य ही अधर का हो जाते हैं या आसमान में आ जाते हैं। आसमान बहुत पास दिखता है, लेकिन एक सीढ़ी चढ़ने के बाद लगता है, ज्ञात होता है, ऐसे ही चढ़ते जाना चाहिए, ऐसे ही चढ़ते जाना चाहिए। लेकिन कभी विचार किया है क्या कि पैरों से सीढ़ी चढ़ी जाती है, ये तो सब लोग जानते हैं, हाथ भी उसके साथ साथ चढ़ते रहते हैं, दोनों तरफ हाथ को पकड़ने से और हाथ पर बल देने से
अपने वजन भी हल्का हो जाता है। ऐसा ही कुछ मोक्ष मार्ग में प्रारंभ होता है, उत्साह बढ़ जाता है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। और एक बार पूरी सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम अब नीचे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मिट्टी की ही बात कर रहे हैं और हम मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई सोने की गिट्टी की बात करता है और ताली बजाता है, कोई व्यक्ति गिट्टी नहीं मिट्टी नहीं किंतु सम्यक दृष्टि की बात करता है, उनके जीवन में अवश्य ही आनंद का अनुभव आता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। उस दोहे को दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि जीना तो चाहूँ जीने चढ़ने हेतु यूं ही जीना क्या है। अहिंसा परमो धर्म की आचार गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आपने सुना होगा श्रवण बेलगोला में मनोज्ञ प्रतिमा कामदेव की, जो आदिम कामदेव माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा बनी थी और उसके अभिषेक का वहाँ पर बहुत सारी जनता एकत्रित हुई थी। एक से एक बढ़कर के सेठ साहूकार अभिषेक के लिए तैयार हैं, अपने हाथों से कलशा दे करके और क्रमशः सब लोगों को अनुमति दी गई थी। अभिषेक प्रारंभ हो गया, बड़े बड़े घड़ों से वहाँ छोटे छोटे कलशों से नहीं किंतु बड़े बड़े घड़ों से धारा होती थी, चालू कर दी। सुबह से ही किंतु धारा नाभि के नीचे नहीं आई। इतने सारे सारे घड़े उसके ऊपर डाले गए किंतु नाभि के नीचे धारा नहीं आ गई। अब क्या करोगे बताओ? सभी लोग देखते रह गए। पूरा पानी जो संग्रह लाया गया था डाल दिया गया। किसी ने कई व्यक्तियों ने अपने अपने मन से सोचा संभव है किसी देव ने आकर के कीलित कर दिया हो,
कुछ भी हो लेकिन साक्षात दिख रहा है। इसी बीच में एक बुढ़िया अपने हाथ में छोटी बिलिया लेकर के आई। बिलिया बिले बोलते ना, बिले लोटिया तो बोलते ही उधर भी बोलते होंगे। अब यहाँ ये लोग अभी बुंदेलखंड से परिचित तो सब लोगों ने कहा बुढ़िया को, दादी दादी यहाँ पर तो देखो कितने घड़े हो गए खाली, पूर्ण अभिषेक नहीं हो पा रहा है, और तुम्हारी बिलिया सुन लो अब। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने इससे क्या होगा, ये हमारी भावना भी तो पहुंचाओ। तो एक को करुणा आई, उन्होंने कहा हाँ ठीक दादी ठहरो, ले ली और उसको ऊपर पहुंचा दी। अब वह दादी देख रही है कि हमारा क्रम कब आता है। जब क्रम आया है और उसके अभिषेक की धारा छोड़ दी तो ऊपर सिर से वह नीचे की ओर आ करके नाभि को भी पार कर गई।